लोग नमस्ते दोस्तों, आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। गर्मा ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं आम का सब्जी। आम का चाय तो आपने खाया होगा, आम का मुरब्बा खाया होगा, तो आज हम चलिए हम बनाते हैं आम की सब्जी। और इसे बनाने के लिए देखिए, हमने इतना सारा आम लिया है, जितना आपको बनाना है उसके हिसाब से बनाइएगा। तो चलिए हम आम को अच्छे से छील लेते हैं। देखिए, आम को हम छीलेंगे अच्छे से, इस तरह से आम को छील लेना है। आम की सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है, तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। और रोटी के साथ तो मज़ा आ जाता है आम की सब्जी खाने का। तो इसी तरह सारे आम को हमें अच्छे से छील लेना है। तो आज हम बनाएंगे आम की सब्जी, तो वीडियो बने रहिएगा दोस्तों। और एकदम आम का सीजन चल रहा है, तो आम का अचार तो हो गया, मुरब्बा हो गया, खटाई हो गई। तो आज चलिए हम आम की सब्जी बनाते हैं। आम की सब्जी जब हल्का हल्का, देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा पकने की आशा रहता है, तभी आम की सब्जी स्वादिष्ट लगती है। और उस तरह तो बहुत खट्टा ही लगता है। और देखिए, इस तरह से गुड़ हो गया है आम, अब पकने वाला है आम। तो इसका हम सब्जी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होगा, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए बनाते हैं। और देखिए, चार आम को अच्छे से हमने छील लिया है, अब इसी की हम सब्जी बनाएंगे। देखिए, चार आम हमने अच्छे से छील लिया है, चलिए बनाते हैं इसे। आम को अच्छे से छील लिया है, और खड़ा खड़ा बनाना है तो खड़ा खड़ा बनाइएगा, नहीं इस तरह से। देखिए, दो दो फली अच्छे से, क्योंकि कोसली पर गई है, तो हम इस तरह से काटेंगे। और देखिए, इतना बड़ा बड़ा काटना है। तो इस तरह से हम काट लेंगे दोस्तों। हमने देखिए इस तरह से काटना है, और हमें छोटा और तरह करना, कोसली नहीं निकालना, इसको भी हम डालेंगे। और इस तरह से काट लिए हैं। चलिए मसाला रेडी करते हैं। तो देखिए, हम एक चम्मच से लाल मिर्च लेते हैं, ज़्यादा तीखा में नहीं बनाना है। हमने पीस के रखा है, इतना सा गरम मसाला डालेंगे इसमें। गरम मसाला हमने डाल दिया था, देखिए, और जीरा इधर, और लाल मिर्च, और ये थोड़ा सा हल्का सा सरसों हमने पीसा हुआ डाला है। तो हमारा मसाला रेडी है, तो चलिए हम बनाते हैं। हमारी गर्म हो गई है, थोड़ा सा इसमें हम ऑयल डालेंगे। अब हम जीरा का तड़का देंगे इसमें, थोड़ा सा हम जीरा का तड़का देंगे। देखिए, दो मिर्चा हमने डाल दिया है। और देखिए, अच्छे से हमारा जीरा चटक गया, तो इसमें हम मसाला डालेंगे। और इधर हम आपको भी डालेंगे अच्छे से, गैस को धीमा कर देंगे, क्योंकि आम को हमें थोड़ा सा भूनना है इस तरह से। हमें तेल में थोड़ा सा भी भूनना नहीं है, क्योंकि वो में कड़वापन आएगा, इसके असर होगा। तो इसी तरह से हमें आम का सब्जी बनाना है, और इस तरह से हमें भूनना है। देखिए, दो मिनट तक भून लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने इतना चीनी लिया है, इसी में हम चीनी को डालेंगे। थोड़ा सा हमें मीठा बनाना है इसे, और थोड़ी सी हमें उसमें नमक ऐड करना है, नामांतर एकदम। देखिए, थोड़ा सा हमने नमक बस डाला है। अब अच्छे से इसे हम चला लेंगे। दीदी हमारी लड़की बना रही है, अभी छोटी है, इसे थोड़ा सा बनाने में दिक्कत होती है, अभी उतना नॉलेज नहीं है इसको, लेकिन यही हमारी हेल्प करती है। तो कोई भी गलती हो तो आप लोग वीडियो में तो आप लोग माफ़ करिएगा। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि बच्चे सब छोटे हैं, अभी वीडियो बनाते हैं थोड़ा सी हो जाएगा। देखिए, हमने दो मिनट तक अच्छे से इसे भून लिया है, और हमारा अच्छे से आम कैरी भुना गया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। और देखिए, मसाला वाला आम का सब्जी है, इसे एकदम आप सोच देखिएगा कितना गजब का आम का सब्जी होगा। तो इस तरह का जरूर बनाइएगा। अगर आप लोग आधा किलो आम की सब्जी बना रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा 100 ग्राम तो चीनी पड़ेगा ही। तो देखिए, इस तरह से हमने पानी इसमें डाल दिया है। अब इसे हमें अच्छे से बतखाना है, जब उबाल आ जाएगा तो आप लोग को दिखा रहे हैं। बस इसे हम ढक देंगे। तो देखिए, उबाल आ गया है अच्छे से। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, तो हल्दी का कलर कर देगा अच्छे से। और देखिए, इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डाल दे रहे हैं। बस अब इसे हमें अच्छे से बतखाना है, धीमा आंच करके। हमने बंद कर दिया है, और देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छी से बनी है, आप लोग देख सकते हैं।
कितना प्यारा अच्छा सा बना है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं इसे। तो देखिए दोस्तों, हम सब्जी को अच्छे से निकाल ले रहे हैं प्लेट में। अब बहुत ही प्यारा सब्जी बना है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा खाना है तो। और देखिए इस तरह से हमारी सब्जी तैयार है। तो चलिए इसे आप लोग रोटी के साथ इसे खाइएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है रोटी के साथ। तो चलिए देखिए, ये रही हमारी रोटी और ये रही हमारी सब्जी आम की। तो आप लोग जरूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। बाय बाय।